Bismillah Rahman Rahim. I am Ejaz Kadim Soder from the platform of CSS Pieces Planet. जी व्यूअर्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी करेंगे और वो जो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे डिबेट चल रही है कि भाई ये जो गवर्नमेंट ने नई टैक्स लगाई है जिसको हम लोग सुपर टैक्स के नाम से जाने जाते हैं, तो ये जो सुपर टैक्स गवर्नमेंट ने लगाई है, इस सुपर टैक्स का क्या मतलब है, ये सुपर टैक्स किन किन डिपार्टमेंट्स पे लगाई गई है और ये सुपर टैक्स जो है इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। देखें, यहां तो ये जो सुपर टैक्स लगी है, इस सुपर टैक्स से क्या मुल्की मालियाती खसारा जो है क्या वो कुछ कम हो सकता है, तो देखें इंशाल्लाह मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा कि सुपर टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। देखें व्यूअर्स, हिस्टोरिकल अगर हम लोग देखें तो सुपर टैक्स ये दो मर्तबा रिसेंटली लगाई गई थी, एक 2010 में 10 से लेकर 11 तक, इसमें इस टाइम पीरियड में भी सुपर टैक्स लगाई गई थी और 2016 से 17 में भी सुपर टैक्स लगाई गई थी। देखिए, हम लोग पहले ये देखें कि इस सुपर टैक्स किसको कहते हैं, सुपर टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है। असल में व्यूअर्स, सुपर टैक्स एक वो टैक्स है जो एट अ टाइम, जिसका मतलब यह होता है कि पाकिस्तान की हालिया मौशत जो है उनको हम लोग खसारे से निकालें, उनको कुछ ऐसी सपोर्ट करें ताकि इस खसारे से, इस करंट अकाउंट डेफिसिट से जो है वो मुल्क निकल के आगे चले, इसलिए यह सुपर टैक्स का इंपोजिट कॉन्सेप्ट आया हुआ है। देखें, दूसरा जो गवर्नमेंट ने लगाया ये पावर्टी एलिवेशन, उसके साथ पावर्टी एलिवेशन टैक्स जो लगाई है गवर्नमेंट ने, ये टैक्स जो है ये भी किसी इंडिविजुअल एलिट्स के लिए लगाई गई है। मैं आपको एक रिपोर्ट रखता हूं सामने, आईएमएफ की रिपोर्ट है। आईएमएफ की रिपोर्ट है कि 6% ऑफ द पाकिस्तान इनकम जो है, जो पाकिस्तान की 6% इनकम जो है पाकिस्तान की, जो कि आपके 26 अरब रुपए बनते हैं, 26 अरब रुपए जो बनते हैं पाकिस्तान के, वो आपके इलीट बंदों को और आपके कारपोरेट सेक्टर्स को जो है उनको ये सब्सिडीज की सूरत में अदा करता है। देखें, 2600, इसका मतलब है कि 2600 अरब रुपए जो बनते हैं हमारे एनुअली बजट में से, उनकी सब्सिडीज ये कारपोरेट सेक्टर्स भी लेते हैं और ये उनकी जो सब्सिडीज वो है, एक पर्टिकुलर जो इलीट फैक्शन है हमारी सोसाइटी में वो भी इसका फायदा उठाते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट उनको एक इंसेंटिव देती है, गवर्नमेंट उनको एक सब्सिडाइज करती है। तो ये जो सुपर टैक्स जो लगाई गई है, आपको उस जो 26 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी जाती थी उन फैक्शंस को, एलीट्स को एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स को, तो ये उनको निकालने के लिए और उनसे ये वसूल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ द टैक्स जो है इंपोज किया गया है। देखें व्यूअर्स, हम लोग एक फैक्चुअली बात करें तो इसका इंपैक्ट जो है, ये अवाम पे इंपैक्ट इसका कुछ भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम से इस टैक्स का कोई ताल्लुक ही नहीं है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिर्फ जो 13 सेक्टर्स हैं, 13 जो सेक्टर्स हैं कॉर्पोरेट सेक्टर्स जो हैं, उनपे गवर्नमेंट ने 720 अरब रुपए की जो छूट मिलती थी उनको, वो उनसे वसूल करने के लिए ये सुपर टैक्स का इंपोज किया है। ठीक है ना, देखें ये सुपर टैक्स की ये जो माली मुराद है जी उनको, ये उनमें से निकालने के लिए उनको ये टैक्स लगाई गई है। इसका कोई भी इंपैक्ट जो है अवाम के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसका कोई भी इंपैक्ट जो है किसी भी दूसरे के बंदों का नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि जो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है वो उस सब्सिडी को जो वापस करने के लिए ये गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है, जो कि पिछले हमें 2010 में और 2016 की हुकूमतों में भी हमें ये चीज मिलती है कि उन्होंने भी ऐसे ही टैक्स लगाई गई थी, क्योंकि मालियाती खसारा जो था उनमें से निकालने के लिए गवर्नमेंट ने यह टैक्स इंपोज की थी। देखें व्यूअर्स, एक बात, हम लोग जीएसटी या सेल्स टैक्स हम लोग अदा करते हैं और वो जो पर्टिकुलर जो टैक्स जो गवर्नमेंट लगाती है वो उस इदारे पे लगाती है, उस
इंस्टीट्यूशंस पे लगाती है और वो जिस सेक्टर की जो प्रोडक्शन होती है वो सेक्टर जो है खुद ब खुद वो सेल्स टैक्स के जरिए वो भी निकाल लेता था, उसके उससे अलावा अपना प्रॉफिट भी निकाल लेता था। लेकिन सुपर टैक्स जो है अवाम का किसी से भी वाबस्ता नहीं है। लेकिन ये है कि ये दो इंपॉर्टेंट फैक्शंस जो है सोसाइटी के हमारे, एक तो 13 सेक्टर्स जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं उन पे लगाई है गवर्नमेंट ने, और दूसरा जो है इन्होंने एक पर्टिकुलर इलीट क्लास पे लगाई है जिनको सालाना ये 2600 अरब रुपए से ज्यादा की ये सब्सिडीज देते थे और जो उनको टैक्स छूट देते थे उनसे वसूल करने के लिए ये इन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स लगाई है। देखें व्यूअर्स, अगर हम लोग ये कहें कि स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो ये टैक्स लगाई गई है, ये जो फिस्कल डेफिसिट जो हमारा गवर्नमेंट में फिस्कल डेफिसिट का जो कॉन्सेप्ट होता है, तो डेफिसिट को सपोर्ट करने के लिए ये टैक्स जो है गवर्नमेंट ने इम्पोज किए। लेकिन 2022 के हम लोग बजट का एनालिसिस करें तो ये जो 4% टैक्स जो लगाई गई है ये सारे सेक्टर्स पे लगाई गई है, 10% जो टैक्स लगाई है गवर्नमेंट ने वो 13 सेक्टर्स पे इन्होंने लगाई है। तो हम लोग देखेंगे, ये एक सवाल ये भी पैदा होता है, एक डाउट होता है कि मार्केट क्रैश कर जाएगी और मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। तो देखें, एक्चुअली मार्केट क्रैश तब करती है जब आपकी प्रॉफिट को अफेक्ट किया जाता है। देखिए, सुपर टैक्स में आपके प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करते, सिर्फ उनकी प्रॉफिट को जो अफेक्ट होगा जो 13 सेक्टर्स जो कि सब्सिडाइज लेते आ रहे थे गवर्नमेंट से, उन पे ये इफेक्ट करेगी, लेकिन दूसरे अवाम के ऊपर ये चीज जो है इफेक्ट नहीं करेगी। तो व्यूअर्स, ये था हमारा थोड़ा सा ब्रीफली ओवरव्यू ऑन द टैक्स सिस्टम ऑफ द न्यूली गवर्नमेंट व्हिच इम्पोज्ड फ्यू डेज अगो। तो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। एजाज कादम सोल्डर को इजाजत दीजिए, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप लोग के सामने पहुंचती रहे और आप इस तरह से अपनी नॉलेज गेन करते रहे। थैंक यू सो मच।